पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है। तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है। चंद्रशेखर राव एक ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा है और वो जब सामने आएंगे और आ रहे हैं वो देखेंगे उनकी पार्टी का मसला है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या करना चाहिए कैसा करना चाहिए। टीआरएस अभी भी तेलंगाना में रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल पार्टी है और एक तेलंगाना की जो रीजनल सेंटिमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उस बात को आपको समझना है और यकीनन उनको नहीं मिली वो नियरली 42-43 सीट पर उनको नाकामी मिली। मुझे यकीन है कि केसीआर इसको देखें क्योंकि उस आदमी का पॉलिटिकल जर्नी मैं जानता हूं। जब मैं एमएलए था अकेला असेंबली में जब से इनको देख रहा हूं वो देखेंगे। हैदराबाद की जनता का धन्यवाद देता हूँ। मैं उसके साथ साथ हैदराबाद की जनता के साथ साथ हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास करके एक शानदार नतीजे एक शानदार रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि संजय बंडी जी हमारे अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया, उनको बधाई और पूरा हैदराबाद की जनता को। हैदराबाद में सारे तेलंगाना के लोग और इसलिए सारे तेलंगाना के लोगों ने ही एक इस चुनाव के माध्यम से आने वाले तेलंगाना चुनाव के नतीजों के बारे में स्पष्ट किया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की जनता ने भ्रष्ट केसीआर की सरकार और